नमस्कार फ्रेंड्स, हरीश बाली ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय सुबह 7:15 का टाइम है। हम लोनावला में हैं, पुराना जो स्टेट हाईवे है वहां पर खड़े हुए हैं। हमने टैक्सी यहां से हायर करी है एयरपोर्ट तक जाने के लिए। आज हमारा प्लान कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले यहाँ से हम थाना जा रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे पकड़कर। थाना पहुँचने में हमें लगभग 2 घंटे का टाइम लगेगा। 90 किलोमीटर का ये डिस्टेंस रहेगा। थाना में मैं नाश्ता करूँगा, उसके बाद हम सांता क्रूज जाएंगे। वहाँ हमने एक मीटअप प्लान करी है और 3:45 को मेरी मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट है। तो इस प्रकार से आज का हमारा प्लान रहेगा। ये जो स्टेट हाईवे है, पहले ये मुंबई पूना को कनेक्ट करता था, तो आजकल लोग एक्सप्रेस वे से ज़्यादा चलना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक एकदम स्मूथ चलता है। लेकिन फिर भी लोनावला आना है तो लोग यहाँ से आना पसंद करते हैं। 5-10 मिनट वेट कर रहे हैं, ज़रा CNG भर जाए, फिर हम यहाँ से चलते हैं और एक्सप्रेस हाईवे हल्का सा ग्लिम्स आपको दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हुए थाने पहुँचते हैं और थाने चल के नाश्ता करेंगे। लोनावला से चलने के बाद ना मैं गाड़ी में सो गया था, 1.5-2 घंटे का टाइम निकल गया और सीधी नींद खुली तो हम थाना में थे। नाश्ता करने के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, गजानन वड़ा पाव। रेलवे स्टेशन जो थाना का है ना, यहाँ से नज़दीक ही है। वॉकिंग लगभग 15 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से ले लेते हैं वड़ा पाव। भैया हमें आप एक वड़ा पाव दीजिए। अच्छा, आप ये दोनों चटनी डालते हो? नहीं, किससे बनाया आपने चटनी? आपने से दाल रहता है और थोड़ा चूरा रहता है, लहसुन अदरक का पेस्ट रहता है। बड़ा चना दाल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। पाव और वड़ा अलग अलग दे दिया। आमतौर पे काफ़ी लोग कैसा ऐसा पाव को खोलते हैं और बीच में वड़ा डाल के देते हैं। हम ऐसे डाल लेंगे। पॉपुलर वड़ा पाव सेंटर है। ऐसा बड़ा पाव का टेस्ट तो गजब है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो चटनी है ना, इसको एक दो बार खा के उसका टेस्ट एक्वायर करना पड़ेगा। इस तरह की चटनी मेरे लिए बहुत नया टेस्ट है, समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। आमतौर पे क्या है, वड़ा पाव में हम वो लहसुन वाली चटनी एक्सपेक्ट करते हैं ना, जो लाल रंग वाली रहती है, लहसुन लाल मिर्च। अच्छा फ्लेवर है। तो बड़ा पाव के अलावा समोसा और कांदा और आलू का भजिया। भैया एक मेरे को सिंगल वड़ा दे दो, बिना पाव के। हाँ, बिना पाव का टेस्ट करेंगे बड़ा कैसा है। अच्छा, ये ताज़ा ताज़ा भजिया तैयार हो गया। तो शाम को कब तक आपका शॉप ओपन रहता है? ये देखो ऐसा। इस वड़े के स्वाद में ना कुछ भी फैंसी नहीं है, हाईली हाईली सिंपल टेस्ट, बहुत सादगी है स्वाद में। सिर्फ धनिया, हरी मिर्च, बॉइल्ड आलू और बढ़िया से तल के। ओवरऑल गुड टेस्ट है, कुछ भी तीखा नहीं है और ये वाली चटनी तो बहुत अलग है, अच्छा फ्लेवर है। और भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये फेमस जॉइंट है। ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है एस्टैब्लिश्ड 1978, काफ़ी साल हो गया। सांता क्रूज साइड हमने मीटअप रखी हुई है 12 बजे, तो उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, 1/2 घंटे का समय बीच में और है। तो यहाँ से आगे चल कर मामलेदार मिसल है, वहाँ भी जा सकते हैं। देखूंगा, अगर भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं हुई तो रुकूंगा, सुना है वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। हम तो टैक्सी में आए हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपनी गाड़ी में आए हो तो यहाँ पार्किंग का करोगे वो भी सोचने की बात है। मेट्रो फुटवेयर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मामलेदार मिसल कहाँ पर है? ये वाला दुकान है।
अच्छा बताओ, कोई सामने से निकल भी जाए तो भी मालूम नहीं चले कि ये मिसल शॉप है। मिसल खाना है हमको तो मिसल में कम तीखे वाला देना। कम तीखा वाला मीडियम मीडियम दो क्या? लाइट दो। कितनी वैरायटी है मिसल में तीखे के हिसाब से? तीखा मीडियम और लाइट। तो मुझे आप मीडियम कर दो। और वैसे ये फेमस तो मिसल के लिए, लेकिन सामने ना बोर्ड पे काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा चाय हाउसफुल है। समय अभी टाइम 10:30 बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ सुबह जब 7:30-8 बजे पीक टाइम होता है उस समय तो वेटिंग रहती होगी। मिसल पाव आ गया है, आप टेक्सचर देखो सबसे पहले। तो मिसल के साथ ना दो पाव देते हैं, इसकी 70 रुपीज़ कॉस्ट होती है। थोड़ा मेरे को लगा ड्राई ड्राई हो जाएगा तो एक्स्ट्रा करी बैटर है साथ में, मैंने छास लिया। वाकई कमाल हो गया। जितना मैंने नाम सुना था ना मामलेदार मिसल फेमस है, फर्स्ट बाइट में मेरे को रियलाइज़ हो गया कि स्वाद में क्या दम है। उस टर्विक फरसान सेब प्याज करी और क्या इसमें, ये हरा मटर कड़ी पत्ता तो है ही है। लवली वाटर टेस्ट। अगर ये नहीं मिलाया मैंने तो मसाले बहुत हल्के हैं, मिलाने के बाद पता चलेगा कि तीखापन कितना आता है, अदरवाइज बहुत लाइट है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मैंने प्रोग्राम ऐसा बना लिया कि मैं खाना होलते हुए ना चला जाता हूँ। वेरी टेस्टी। करी डालने से ना जैसे मेरे को लग रहा था तीखापन आएगा और तीखापन आ गया, मीडियम है। और इनके पास एक और करी है जो ज्यादा तीखी है, तो मैं वो ला नहीं ले रहा। वैसे एक बात है, मिसल के अंदर ना हर चीज का स्वाद है। अगर प्याज नहीं डाला तो मजा नहीं आएगा, सेव नहीं डाला तो स्वाद कम हो जाएगा, फरसान तो मेन चीज़ है और साथ में करी तो गेम चेंजर होती होती है, क्योंकि उस पर तीखापन चलता है और बाकी करी के साथ ही मज़ा आता है। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। चलो अब हम यहाँ से चल रहे हैं और अब आपको सेंटा क्रूज पहुँच के ज्वाइन करेंगे। In 200 meters, turn left onto Juhu Tara Road. नमस्ते। हेलो जी। अच्छा आपसे बात हुई। थैंक यू सो मच। बट आई एम सो हैप्पी कि आप लोग ऐसे आगे। मैं ना बहुत कच्चा पक्का था कि मीटअप प्लान करूँ ना करूँ, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कंसिडरिंग कि मतलब मेरा अनसर्टेनिटी सी चल रही थी। अरे वाह, अरे वाह, सो स्वीट ऑफ यू। अरे मेरा ये कैसे निकाल लिया? वाह, ये तो बड़ा आपने यार मेहनत करी इसके लिए, सो नाइस ऑफ यू। पहले तो सोचा मैंने कि उल्लासनगर आता हूँ, दो वीडियो बनाकर हम लोग वापस चले जाएंगे, थर्ड डे बैक, ये सोच थी। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा फाइट हो जाएगी सर दो दिन के लिए, और ऊपर से क्या मीटअप ज़रूर रखता हूँ। फिर मैंने कहा दो दिन वीडियो के, दो दिन मीटअप के, बिकॉज वो भी तो चार दिन करने ही है, तो लेट मी ऐड माथेरन। फिर मैंने कहा माथेरन ऐड हो गया तो एक दिन लोनावला भी जोड़ लेते हैं। फिर ऐसा सोच में मेरा पूना जोड़ने वाला था, फिर मैंने कहा नहीं यार फिर तो पूरा टूर ही बन जाएगा इसको, वही लोनावला, बिकॉज पुणे चले गए ना तो फिर वो एक दिन में नहीं होगा, देन यू नीड एटलीस्ट 4 फुल डेज। इनफैक्ट आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, ये किस्सा मैंने ना कल्याण में भी बताया था, बिकॉज कल्याण में वो सीन देखा ना तो मेरे को सारी यादें ताज़ा होगी, बिकॉज़ वो स्टेशन तो बदला नहीं वैसे का वैसा स्टेशन है। तो कल्याण में रेलवे स्टेशन पे जब मैं जाता था, मेरे को 2 महीने के बाद मैं जिग गया, मतलब शिफ्ट होने के बाद थाने में रहा 1.5 महीना, फिर मैं कल्याण में गया। वो स्टेशन के बाहर होता था, आराम आराम से सीढ़ी उतरता था 6:50 को, जहाँ मैं वड़ा पाव खाता था, फिर 6:55 7 बजे 7:05 में वड़ा पाव कम्प्लीट हो जाता था, 5 मिनट इंतज़ार करता था,
तो मैं अपने घर में लोगों को फ़ोन पे बोलता था कि यार मुझे समझ में नहीं आ रही यहाँ की कहानी क्या है। तब मेरी उम्र रही होगी 26 ईयर, भाग क्यों रहे हैं ये, क्योंकि मैं राम राम से चल रहा हूँ, ये लोग सब भाग रहे हैं। तो जब मैं 20 मिनट पहले आ सकता हूँ तो ये लोग 20 मिनट पहले क्यों नहीं आ सकते जो यहाँ के लोकल लोग हैं। और मैं लोगों से सवाल भी पूछता था, सब लोग बोलते पता नहीं यार आप कैसे आ जाते हो, तो मतलब किसने मेरे को कहानी नहीं बताई ये क्या है। तो फिर मैंने देखा 2 महीने बाद ना मेरा भी उस सारा टाइम की कहानी ख़राब हो गई और मेरा भी 7-10 की लोकल के लिए 7-6 उतर रहा हूँ, बड़ा पाव लिया आधा खाया आधा पकड़ के लोकल में चढ़ गए। तो मेरे को फिर समझ में आया यहाँ कुछ नहीं कर सकते, ये यहाँ के DNA में ही है। हाँ सिटी मेक्स यू रन, मतलब मुझे यही लगने लगा कि हाँ मुझे लगता है जैसे मैं दिल्ली का हूँ ना, तो शुरू में जाकर जब मैं यहाँ से दिल्ली गया तो मेरे को 1-1.5 साल तो एडजस्ट होने में लग गया, वहाँ पर अपने ही घर में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था मैं, ये हो क्या रहा लाइफ में। मैं अभी सोच रहा हूँ रिटायर होके आशीर्वाद, यू नो दैट्स व्हाई आई सी ऑल दिस पीपल, सो दैट इज व्हाट लाइफ इज अबाउट। हम क्या कर रहे हैं रोज, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, बट दैट इज लाइफ, आई कम हियर यू नो बिकॉज़ ऑफ दैट, वी आर जस्ट रनिंग, वी आर जस्ट रनिंग, और ऐसे ही निकलेगा टाइम ऑलरेडी, ये चालू यहां दुख रहा है, यहां दुख रहा है, 51 की एज में हार्ट अटैक आ चुका है, सर्जरी हो चुकी है, सब हो चुका है, जॉब छोड़ के एक्चुअली ये टुक अ बिग रिस्क है। जुहू गार्डन में हमने सब्सक्राइबर मीटअप करी, बहुत अच्छा समय मैंने सब्सक्राइबर्स के साथ बिताया, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, कुछ उनके एक्सपीरियंसेस सुने, और समझ लीजिए 1.25 घंटा हमने बहुत बढ़िया ढंग से बिताया। 1:35 को मैं वहाँ से चला और अभी 1:45 का टाइम है। ये देखो पीछे गाड़ियाँ रुकी हुई दिखाई दे रही ना, यहाँ तो एक ही गाड़ी रुकी है लेकिन सामने गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। कम से कम अभी 15 से 20 मिनट लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने में, 3:45 की मेरी फ़्लाइट है। सिक्योरिटी चेक इन सबसे बड़ा टास्क होता है हम लोग के लिए एयरपोर्ट में, स्पेशली सिक्योरिटी चेक इन के समय इतने सारे गैजेट जब खुल जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी में सवाल उठते हैं, फिर रीचेक करो वगैरह वगैरह। एनीवेज एयरपोर्ट पहुंचते हैं फिर आपको ज्वाइन करते हैं। टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच ही गए। जब मैं दिल्ली से आ रहा था ना तो ड्रोन को लेके मुझे दिक्कत आ गई थी कि कैसे लेके जाऊं। इस बार मैंने क्या किया है, ड्रोन की बैटरी निकाली और लगेज में दे दिया उसको, मतलब जो ड्रोन है, और बाकी उसकी जो बैटरीज हैं वो मैंने अपने इस बैग में डाल दी। अब मैं इस पर सिक्योरिटी चेक कराना आसान रहेगा। और एक्चुअली मैं ना जब कोई भी ऐसा गैजेट ड्रोन जैसा पहली बार कोई लेके जा रहा हूँ ना, समझ में नहीं होता कैसे करना होता है, अब मेरे को ये चीज़ दिल्ली एयरपोर्ट में समझ में आ गई। चलो अब यहाँ से अंदर चलते हैं और सिक्योरिटी कराते हैं। हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। पिछले 6 से 7 दिन का समय जो मैंने उल्लासनगर, माथेरन और लोनावला में बिताया, बहुत मज़ेदार था, मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैं आज एयरक्राफ्ट में आते समय सोच रहा था कि आगे चल के मुझे कहाँ का टूर प्लान करना है, तो कुछ मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, बट मेरे मन में ना आंध्र प्रदेश है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आज 25 नवंबर है। ये पूरी सीरीज़ आप बताइए आपको कैसी लगी, हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। आपको मैं यहीं पर बाय बाय कर देता हूँ, थैंक्स फॉर योर टाइम।